नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से पहुंच रही होगी। भास्कर से खबर निकल के आ रही है, शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर सरकार और समर्थक दलों में मतभेद आ गया है। नई नियमावली के रद्द होने के पूरे उम्मीद और आसार लगाए जा रहे हैं। महागठबंधन की 5 पार्टियाँ नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में सदन में, इनके 39 विधायक यानी कि 39 विधायक अब सदन में आ गए हैं सामने, और पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि नई नियमावली रद्द हो सकती है। बिना परीक्षा नियोजित शिक्षक मांग कर रहे हैं राज्यकर्मी का दर्जा, इस मांग के समर्थन में ये दल देख सकते हैं। धमकी न दें, वार्ता करें, भाकपा माले कह रहे हैं वार्ता करें, समाधान निकालें, कार्रवाई की बात अनुचित है, इस प्रकार की बात कही जा रही है। शिक्षक नियमावली के समर्थन में राजद देख सकते हैं, जदयू 45, निर्दलीय तो देख सकते हैं 125 लोग हैं यहाँ पे, विधान सभा में 243, महागठबंधन में 164, शिक्षक नियमावली के विरोध में देख सकते हैं सभी लोग उतर रहे हैं। क्या है मांगे? नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में राज्यकर्मी का दर्जा लेने और जिला कैडर का शिक्षक बनाने के लिए अब देख सकते हैं हर जगह आवाज उठने लगी है। 1.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रभावी नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के मामले में महागठबंधन में ही 2 राय है। 7 दलों में से 5 देख सकते हैं यहाँ पे, कांग्रेस देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, आप भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और देख सकते हैं सभी लोगों का समर्थन कहे तो दोस्तों मिल रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं माले, सीपीआई, सीपीएम, हम इसके विरोध में हैं। इन दलों का कहना है कि नियमावली पर राजद और जदयू की ही सहमति है। तो देख लीजिए दोस्तों, स्पष्ट रूप से बात कही जा रही है कि महागठबंधन की 5 पार्टियाँ नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में, तो नियमावली वापसी के लिए अब देखिए 39 विधायकों ने अपना समर्थन दे दिया है। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि इन लोगों का समर्थन लगातार जो हमें मिल रहा है, तो ऐसा उम्मीद और आस लगाई जा रही है कि नियुक्ति नियमावली जल्द से जल्द पटल पर आएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है भाकपा का, उससे तो यही लग रहा है कि नियुक्ति नियमावली वापस होकर रहेगी। हम सभी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि आप लोगों को न्याय मिले और नियुक्त शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा मिले, क्योंकि जो लोग 15 साल से विद्यालय में कार्य कर रहे हैं उनके लिए किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।